नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल educator.com पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ अर्थ। यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हिंदी में इसे हम कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज का जो स्टाइल है पढ़ाने का और जो तरीका मैं अपनाने वाला हूँ वो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। आज मैं प्रोजेक्टर का यूज करके आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है या वो किन किन एलिमेंट से किन किन मटेरियल से बनी हुई है। तो ऐसे कुछ सोर्सेज को हम डिवाइड करते हैं दो तरह के इंफॉर्मेशन में। एक तो हम डिवाइड करते हैं उसको डायरेक्ट सोर्स में। कुछ ऐसे सोर्स हैं जहाँ से हमें सीधे तौर पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एविडेंस मिल जाते हैं। और जो दूसरा टाइप है वो है इनडायरेक्ट सोर्सेज, यानी कि प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत जो हिंदी में है उनके लिए बता रहा हूँ। तो देखिए डायरेक्ट सोर्स में हमें क्या मिलता है, तो हम सभी जानते हैं कि जो वॉल्केनो होते हैं, वॉल्केनो मतलब जो ज्वालामुखी होता है उससे जो मटेरियल निकलता है, यानी वॉल्केनिक इरप्शन, जो मटेरियल निकलता है ज्वालामुखी से उसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। तो वो क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक अंदर से ही आ रहा है तो उससे हमें डायरेक्ट जो है इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक तो वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, यानी ज्वालामुखी से जो मटेरियल निकल रहा है वो हो गया। दूसरा इसमें जो दूसरा जो है वो हमने खुद, यानी कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक अभी भी प्रयास कर रहे हैं और संसार के बहुत से वैज्ञानिक मिलकर कई प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ड्रिलिंग हो रही है, कहाँ ड्रिलिंग की जा रही है, तो अलग अलग जगहों पे पृथ्वी के अंदर ड्रिल किया जा रहा है। अभी तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस की ड्रिलिंग हुई है वो हुई है 12 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 12 किलोमीटर की। और कौन सी जगह में? वो जगह है कोला जो है एक जगह है आर्कटिक महासागर में। कहां पे? आर्कटिक ओशियन में कोला नाम की जगह पर 12 किलोमीटर अंदर तक, यानी कि महासागर जो है उसके अंदर जो उसका तल है वहां से 12 किलोमीटर तक की ड्रिलिंग की गई है और उससे जो एविडेंस मिले हैं उसका इस्तेमाल किया गया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में। तो हमारे पास ये डायरेक्ट सोर्सेज हैं जिसमें वॉल्केनिक इरप्शन, आप जानते हो राख निकलती है, कुछ गैसेस भी निकलती हैं और मैग्मा निकलता है जो पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो उसे हम लावा बोलते हैं। तो ये सब जो है डायरेक्ट सोर्स हैं, यानी कि प्रत्यक्ष स्रोत हैं सूचना के, जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, तो अब बात करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज की। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज में हमारे पास कई तरह के ऐसे इंफॉर्मेशन है, सोर्स है जिससे हमें पता चल जाता है। सबसे पहले तो डेंसिटी को दोस्तों हिंदी में कहते हैं घनत्व। पृथ्वी की जो आंतरिक स्थिति है, ऊपर की जो लेयर है, फिर बीच की जो लेयर है, जो अंदर की लेयर है, सब में डेंसिटी वेरिएशन है, यानी कि उसमें वो अलग अलग होती है, घनत्व जो है अलग अलग होता है। तो पहली तो डेंसिटी हो जाएगी। फिर तो अगर दूसरी की बात करें तो टेम्परेचर भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, इसमें भी वेरिएशन है। और थर्ड जो है प्रेशर, जब भाई टेम्परेचर की बात हो रही है तो प्रेशर की भी बात होगी। और फोर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि पृथ्वी में आप सभी ने सुना होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग है जिसे हम कोर कहते हैं, क्रोड कहते हैं हिंदी में, उसमें मुख्य रूप से लोहा और निकिल पाए जाते हैं। ठीक है, निकिल और आयरन, वही बात है हिंदी में। तो निकिल और आयरन मिलता है और ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल आपका, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि इनमें मैग्नेटिक फील्ड्स होती है। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड भी अच्छा स्रोत है ये पता लगाने के कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या चीजें हैं और वो किस तरह से एक्ट करती हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब मैं बात करने वाला हूं, वो है सिस्मिक वेव्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिस्मिक वेव्स। अब सिस्मिक वेव्स क्या है, तो जब भूकंप आता है तो जो भूकंपीय तरंगे होती हैं उसी को हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं, भूकंपीय तरंगे।
ठीक है। तो अर्थक्वेक जब आता है तो कई टाइप्स की जो है कि वेव्स जनरेट होती हैं, उन वेव्स के बारे में हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि दो तरह के सोर्सेज हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ की हमें अगर डिटेल लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो हमारे पास दो तरह के हमारे पास सोर्सेज हैं, ठीक है, जिसमें वोल्केनिक इरप्शन, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, और एक और प्रोजेक्ट चल रहा है अभी जो इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और वैज्ञानिकों की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा अंदर तक ड्रिल करके पता लगा सके कि अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है और कैसी है। ओके, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें किन स्रोतों से जानकारी मिलती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ओके, अभी कोई घुस के नहीं देख रहा उसके अंदर, ठीक है ना, समझना चीजों को। देखिए पृथ्वी अगर आप घुसने की बात करें तो देखिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, जो आंतरिक भाग है कुछ इस तरीके का है जैसे कि आप देख रहे हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं एक मिनट के लिए जो है कि इस पे कर लेता हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, ठीक है, अब इसको मैं रफ कर देता हूं ताकि दूसरी इमेज में डिस्टर्बेंस ना हो इसकी वजह से। तो ये तो दोस्तों मेथड की बात होगी, सोर्सेज की बात हो गई कि हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम कैसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कैसे डिटेल प्राप्त कर रहे हैं। तो अब मैं बात कर रहा था कि भाई इसके पृथ्वी के अंदर घुस नहीं सकते। घुसने का मतलब यह है कि देखिए पृथ्वी की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में आप साफ देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाएगी स्ट्रक्चर पृथ्वी। देखिए टेम्परेचर ये कैसे लाल से दिख रही है आपको, कहने का मतलब ये है कि हम खोद के अंदर नहीं जा सकते, खोद के गड्ढा खोद के कितना अंदर जाएंगे, ज्यादा ज्यादा भाई 40 फुट 50 फुट 100 फुट चले जाएंगे, या जो ड्रिल हमने किया 12 किलोमीटर तक वहां तक हमारी पहुंच हो गई ड्रिलिंग मशीन के थ्रू। लेकिन अब इसमें आप अगर देखेंगे रेडियस की बात करेंगे तो देखिए ये अगर हम इसकी रेडियस मान लेते हैं अर्थ की, और ये आउटर सरफेस है, यहां से आउटर सरफेस है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 6378 किलोमीटर। ये जो एनसीईआरटी की नई वाली बुक पब्लिश हुई है उसमें है, और अलग अलग जो बुक्स हैं उसमें अलग अलग दिया हुआ है। नॉर्मली लोग जो है कि मोटा मोटा 6400 किलोमीटर यानी कि 6400 किलोमीटर लेते हैं, तो आप ऑलमोस्ट ये ले सकते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 6378 किलोमीटर की रेडियस है पृथ्वी की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो अब आप सोचो कि हम जो मतलब पानी हैंडपंप गाड़ते हैं या फिर जो भी हम ड्रिल करते हैं वो हम जो है कि छोटे से पार्ट में भी नहीं कर पाए अभी, यानी पृथ्वी की 6400 किलोमीटर की रेडियस में हमने 12 किलोमीटर पेनिट्रेट किया है ओनली। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना मुश्किल है पृथ्वी के अंदर की संरचना को जानना, लेकिन फिर भी काफी रिसर्च और एनालिसिस से पता चला है बहुत कुछ, वही जो है कि आज आपको जानना है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी की लेयर्स की। तो ये तो देखिए ये जो बाहर वाली लेयर है सबसे बाहर वाली, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। ओके, और ये जो बीच वाली ये आपकी स्ट्रक्चर दिख रही है ये है मेंटल। क्या है ये? मेंटल है। ओके, और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये दोनों इसके अंदर डाल दीजिए, तो ये पूरा के पूरा ये दोनों मिला के पूरा है क्रोड, कोर है कोर। ओके, हिंदी में क्रोड कहते हैं इसको। तो क्रस्ट हो गया यानी भूपर्पटी, मेंटल हो गया, मेंटल को मेंटल ही कहते हैं, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि जो हमारे दूसरे जो हिंदी के छात्र हैं उनका भी नुकसान ना हो। भूपर्पटी, मेंटल को हम मेंटल ही कहते हैं, और जो ये है ये क्रोड हो गया आपका। ओके, तो ये तीन तरह की स्ट्रक्चर होती है, तीन तरह की लेयर। दोस्तों अब जो है पहले हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम अर्थक्वेक के बारे में और सिस्मिक वेव्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, देखिए यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर की लेयर है इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, और इसको पहले यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पहले दिखाता हूँ उसके बाद हम इसमें समझेंगे। ये जो है कि आपको सिंपल डायग्राम होगा, देखिए ये जो सबसे ऊपर की जो चीजें दिख रही है आपको, ये ओशियन, ये रॉक्स, ये प्लेन है। तो पृथ्वी की ऊपरी जो लेयर है जो भी आप कलर देख सकते हो, ये जो कलर है यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी कहलाती है क्या, क्रस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है, यानी कि भूपर्पटी। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप देखो ये मेंटल शुरू हो जाता है और यहाँ तक मेंटल है। ठीक है, मेंटल में भी दो पार्ट हो गए, एक अपर मेंटल एक लोअर मेंटल। तो जो अपर मेंटल है वो ये वाला पार्ट, ये देखो ये वाला पार्ट। ओके, और लोअर मेंटल हो गया ये डार्क वाला पार्ट। क्लियर है?
अब यहाँ पे सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो है कोर, जो मैं आपको दो गोले दिखा रहा था ना उसमें मैं आपको बता रहा था कि इसको भी डालिए इसमें। तो ये जो आपका आउटर कोर यानी दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया, एक तो आउटर कोर और एक इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड की फॉर्म में है, इनर कोर सॉलिड की फॉर्म में है। ओके तो अब हम बात करते हैं स्टेट पे भी बात कर लेते हैं, स्टेट मतलब कि किस अवस्था में है। ओके तो देखिए ऊपर तो वाटर है, तो ये क्या है सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में जो ये है क्रस्ट है, ठीक है वो क्या सॉलिड फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि समुद्र में देखा जा रहा है कि जो लेयर है क्रस्ट है जो भूपर पट्टी काफी पतली होगी, ध्यान से देखिए। और यहीं पर अगर हम बात करें इसकी, ये जो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट है यानी कि जहां पर महाद्वीप है, जहां पर जमीन है, यहां पर अगर हम बात करें तो ये काफी मोटी होती है, लगभग 0 से 100 किलोमीटर की रेंज होती है। कहां पर? यहां कॉन्टिनेंटल पे, यानी कि जहां पर हम रह रहे हैं और जहां पर सारे देश बसे हैं, ठीक है ना, उस पर। और समुद्र में ये जो लेयर है वो काफी पतली हो जाती है, कभी कभी तो जो लास्ट है रेंज वो है 0 से 5 किलोमीटर, 0 तो नहीं बोलेंगे, ऐसे ले लेते हैं 5 से 30 किलोमीटर, ठीक है 5 to 30 किलोमीटर इन ओशियन एंड ऑन कॉन्टिनेंट 0 to 100 किलोमीटर, 0 से 100 किलोमीटर तक आपकी जमीन पर और पानी के अंदर महासागर के अंदर ओशियंस के अंदर आपकी 5 से 30 किलोमीटर यानी कि 5 से 30 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे देखिए कितना पतला हो गया ना, यहाँ पे देखिए वाला पॉइंट देखिए कितना पतला हो गया। ओके तो यहाँ पर आपकी जो रेंज होगी बहुत ज्यादा 5 किलोमीटर होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना, मिनिमम है। तो ये भी कुछ पॉइंट है, इसको मैं बताऊंगा आगे समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक चैप्टर वाइज समझेंगे, एक एक चैप्टर आप पढ़ते जाइए, आपको जियोग्राफी के बारे में छोटी छोटी चीजें पता चल जाएंगी और आपको फिर कंफर्टेबल महसूस होगा, कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये क्रस्ट के बारे में क्लियर हो गया कि भाई ओशियन जो ओशियन क्रस्ट होती है वो जो है 5 से 30 किलोमीटर तक मोटी होती है, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है यानी कि महाद्वीपीय भूपर्पटी वो जो है 0 से 100 किलोमीटर तक होती है। ओके अब पार्ट है ये एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। देखिए यहां पर मैं थोड़ा मिटा देता हूं ताकि क्लियरिटी रहे हर चीज में, स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो बीच बीच में। अब बात करेंगे मेंटल की, तो मेंटल जो है आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक होता है, इसमें एस्थेनोस्फीयर भी आता है, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर जो है कि एक वीक पार्ट है मेंटल का, जहां से मैग्मा जो है बड़े आराम से क्रस्ट में पेनिट्रेट कर जाता है और बाहर आ जाता है पृथ्वी के यानी अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। ओके तो यहां पर बात करते हैं मेंटल की, तो देखिए ये वीक, ये वाला वीक एरिया होता है, ठीक है ना, यहां से जो है कि पेनिट्रेशन आसान हो जाती है मैग्मा के लिए, लावा के लिए। अब यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये सॉलिड फॉर्म में है। ओके और फिर हम, और हाँ एक चीज और याद रखिएगा कि यहां पर डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी कि ये जो पार्ट है ये डिसकंटिन्यूटी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा 6 की 6 5 की 5 डिसकंटिन्यूटी जो होती है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी मेंटल की, तो सॉलिड, और फिर जब कोर पे आते हैं तो कोर जो है आउटर वाला जो कोर है ये जो येलो टाइप का दिख रहा है ये लिक्विड फॉर्म में होता है यानी कि द्रवित अवस्था में होता है, घुली अवस्था में होता है, और जो अंदर वाला कोर होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके तो इसको ध्यान रखना है आपको कि जो हमारी क्रस्ट है ये सॉलिड है, इसके नीचे वाला जो एरिया है जो हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं ये थोड़ा सा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ऑरेंज वाला थोड़ा सा जो है कि वीक होता है एज कंपेयर टू द लोअर मेंटल, यानी कि जो ये नीचे वाला मेंटल है इनर मेंटल है वो थोड़ा ज्यादा सॉलिड होता है, तो सॉलिड होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा मैग्मा को पार होने के लिए, तो यहाँ पर जो है कि ज्यादातर इरप्शन होने के चांसेस रहते हैं और यहीं से पेनिट्रेशन होती है। तो जब हम कोर की बात करते हैं तो कोर का जो ऊपर वाला पार्ट है जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है और जो इनर कोर है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो अब मैं बात कर रहा था डिसकंटिन्यूटी की कि यहाँ पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी क्या है कि ये जो मतलब क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, ये तीनों जो अलग अलग पार्ट हो रहे हैं इनके बीच में एक छोटा सा जो मतलब कुछ एरिया ऐसा होता है जो यूं कह सकते हैं कि दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो एक यहाँ वर्ड लिखा है ना लिथोस्फीयर, देखिए लिथोस्फीयर लिखा हुआ है। अब लिथोस्फीयर देखिए क्रस्ट की अपर लेयर को लेते हैं और क्रस्ट की लोअर लेयर को और मेंटल की अपर लेयर को, दोनों को मिला दे तो लिथोस्फीयर बनता है। तो ये वाला पार्ट जो है कि आपका लिथोस्फीयर का हो गया और एस्थेनोस्फीयर ये नीचे वाला पार्ट हो गया और ये वीक पार्ट होता है, यहाँ पे मैग्मा स्टोर रहता है कभी कभी और इरप्शन जब होना होता है तो यहीं से पेनिट्रेशन होती है। ओके अब हम बात कर रहे थे किसकी, कि भाई
कुछ यहाँ पर बीच में क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूटी होती है और एग्जाम में अक्सर डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछ लिया जाता है। तो देखिए डिसकंटिन्यूटी के लिए मैंने जो है कि पहले से पुरानी जो पुरानी हमारी एनसीईआरटी बुक है वो जो है कि खोल दी है। देखिए अब यहाँ पर आपके सामने आपको ये कंटेंट ना ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये पुरानी जियोग्राफी की जो बुक है एनसीईआरटी की 2006 से पहले की, उससे निकाला गया है। ठीक है, एक्चुअली मैं उसे प्रिपेयर कर रहा हूँ यूपीएससी के लिए, तो जो भी बेसिक है उसको समझने के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भी समझा पाऊँ ताकि मेरी भी रिविजन हो पाए। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये जो पांच प्रकार के डिसकंटिन्यूटी है, तो देखिए आउटर और इनर ये क्रस्ट है, आउटर इनर ये अभी पूरा की पूरा क्रस्ट है, यहाँ पर देखिए दिखाए गए। ओके, और क्रस्ट और मेंटल ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये यही पार्ट कहलाता है मोहरोविक किक, यानी कि मोहरोवी ये है मोहरोवी किक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जो क्रस्ट को मेंटल से सेपरेट करता है और आउटर और इनर क्रस्ट के बीच की जो छोटी सी जो मतलब दोनों को जब मैंने बताया था कि दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। ओके, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट के बीच में ही है, अपर एंड लोअर यानी कि आउटर में और इनर में, और दो पार्ट्स के बीच में यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच में बहुत ही बड़ी डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, एज कंपेयर टू कॉनरेड, तो इसे हम बोलते हैं मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी। ओके, उसके बाद इसके भी दो पार्ट हो गए आपके बीच में, एक और जो है कि डिसकंटिन्यूटी आती है। ठीक है, वो है रैपिटी। ओके, डिसकंटिन्यूटी ये आउटर और इनर मेंटल को सेपरेट करती है। उसके बाद मेंटल से कोर को अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी है वो है गुटेन विकर्ट। ठीक है, गुटेन विकर्ट डिसकंटिन्यूटी आपको जो मेन याद रखना है, हालांकि याद तो आपको सारे कर लेने चाहिए लेकिन फिर भी जो याद रखना है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है मोहरोविक। ठीक है, मोहरोविक और ये क्या कहते हैं गुटेनबर्ग वीकर डिसकंटिन्यूटी, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि क्रस्ट को मेंटल से सेपरेट करता है मोहरोविक, ठीक है, मोहरोविक कंटिन्यू डिसकंटिन्यूटी, और मेंटल को कोर से सेपरेट करता है आपका गुटेनबर्ग वीकर डिसकंटिन्यूटी। ओके, और ये जो लास्ट में आउटर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन डिसकंटिन्यूटी। तो याद कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा ये। ओके, मेंटल यहाँ दिखा दिया गया है, यहाँ पर कोर दिखा दिया गया है। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आप एक बार, आपको 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब दोस्तों हम जो है जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना थी यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ था, उस इंटीरियर ऑफ द अर्थ की अब हम जो है एक एक छोटी छोटी चीजों को समझेंगे। अभी हमने जो है क्रस्ट मेंटल एंड कोर को समझ लिया, अब इस क्रस्ट अर्थ और मेंटल में कौन कौन से एलिमेंट हैं उनको समझना है, कौन कौन से मटेरियल हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था अभी इसे पिछले वाली फिगर में कि लिथोस्फीयर बनता है किससे, अपर लोअर क्रस्ट से और अपर मेंटल से। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है पूरा आ जाता है किसमें, लिथोस्फीयर में। ओके, लिथोस्फीयर का नाम तो सुना ही होगा आपने, लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फेयर। देखिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे, अब देखिए ध्यान से, तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल से बनी हुई है। देखिए यहाँ पे सियाल लिखा है ना, SIAL, इसका क्या मतलब है, SI का मतलब है यहाँ पर सिलिकन, ओके, और AL का मतलब है यहाँ पर एल्यूमिनियम। ओके, उसके बाद ओशियनिक क्रस्ट सीमा, अब ध्यान से देखना है, नीचे वाले जो क्रस्ट है, ठीक है, इनर क्रस्ट जो है वो बनी है किससे, सीमा से। सीमा का मतलब क्या भाई, सिलिकन हो गया, और MA का मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, MA का मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे, ये अगर कैपिटल है तो कैपिटल ही इसको लिख देते हैं हम, MA का मतलब लिखेंगे मैग्नीशियम। ओके, तो अगर अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि ये इसमें फ्रेम में आ रहे नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहा होगा तो आपको बता देता हूँ, आप अपनी तरफ से भी लिख लीजिएगा, सियाल यानी कि सिलिकन और एल्यूमिनियम, सीमा सिलिकन एंड मैग्नीशियम, और ये किसमें कहाँ पर है ये भी आपको देखना है, अपर क्रस्ट में सियाल, लोअर क्रस्ट में सीमा। ओके, उसके बाद ही अपर मोस्ट मेंटल आ गया, इसके बाद पार्शियली मोल्टन एस्थेनोपियर, इसकी मैं बात कर रहा था कि यही यही वो पार्ट है जो वीक होता है यानी कि
ये थोड़ी गलित अवस्था में होता है, थोड़ा थोड़ा मड टाइप का मान लो वैसा होता है, मैग्मा इसमें स्टोर रहता है, तो यहाँ से पेंट्रेशन होती है और क्रस्ट पे जो है कि लावा निकलता है। अब तो ये पार्शियली मोल्टन एटमॉस्फेयर हो गया। सॉलिड एस्थेनोफियर, सॉलिड का मतलब ये ठोस है, ये मेंटल का वो पार्ट है जो ठोस अवस्था में सॉलिड फॉर्म में है। ओके, मेंटल का ट्रांजिशन आ गया जो मैं आपको बता रहा था, ट्रांजिशन स्टेट वो वाली होती है जो हमने डिसकंटिन्यूटी पढ़ी है, वो स्टेज है ये। ओके, और लोअर मेंटल तो आप समझ ही गए, मेंटल यहाँ खत्म होता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी आई थी ना, और रेपिटिंग, देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया था ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा के पूरा कि हमने क्या देखा था यहाँ पे, एक मिनट, ये वाली बात कर रहा था, ये रेपिटिंग, ये ठीक है, रेपिटिंग डिसकंटिन्यूटी, उसी की बात वहां पे हो रही है, ठीक है ना। तो इसी की बात हुई यहाँ पे कि ये क्या है, मेंटल ट्रांजिशन, यानी कि दोनों जो अपर और लोअर मेंटल है उसके बीच की डिसकंटिन्यूटी है। उसके बाद से लोअर मेंटल आ गया, फिर आउटर मोल्टन कोर, यानी बाहर वाला लिक्विड फॉर्म का कोर और अंदर वाला सॉलिड। तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये सॉलिड है, ठीक है, और ये भी ये लिक्विड है। तो इन दोनों में क्या होता है, जो मेन है, मेन का मतलब जो यहाँ पर कोर है सेंटर, वहां पर होता है निफे। निफे का मतलब क्या हो गया, निकिल, ठीक है, निकिल और आयरन, एफी मतलब आयरन। तो निकिल और आयरन से बना होता है कोर, मेंटल बना होता है सीमा से, और क्रस्ट बनी होती है सीमा और सियाल दोनों से। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और अब आप ही किलोमीटर के डिस्टेंस से समझ लीजिए, किलोमीटर के डिस्टेंस से अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है, कि मैंने आपको बताया था अभी कि जो क्रस्ट होते हैं, जो क्रस्ट है, क्रस्ट नॉर्मली जो है, देखें मैंने 100 किलोमीटर लिखवा दिया, मैं इसकी रेंज में लिखवा दिया था। नॉर्मली जो क्रस्ट है वो 0 से 70 किलोमीटर आप लेके चलेंगे, ठीक है, और इसके बाद से, यानी 70 किलोमीटर के बाद से ये डिसकंटिन्यूटी शुरू हो जाएगी, और जो मोहरो विकिक डिसकंटिन्यूटी थी वहां से जो है 29 किलोमीटर तक, यहां तक देखिए, यहां तक ये जो है आपकी पूरी की पूरी क्या होती है, मेंटल होती है, मेंटल वाला जो पार्ट है वो होता है अर्थ का। और उसके बाद जो नीचे की तरफ 6378 किलोमीटर तक आपका क्या होता है, या 370 किलोमीटर दिया, सिर्फ 6370 किलोमीटर, ओके, 6370 किलोमीटर, तो ये भी चलेगा, 78 लिखे हैं वो भी चलेगा। और मैंने आपको बोला है कि आप ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये तो बात होगी पूरी की पूरी किसकी, अर्थ के इंटीरियर पार्ट की। तो दोस्तों अर्थ का जो पूरा पोर्शन है वो हमने आज समझा, और कल हम जो है वीडियो में समझेंगे व्हाट इज अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप क्या होता है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बताया कि जो सिस्मिक वेव्स है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर आप नई यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और edupedo.com को जरूर विजिट करें, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।